ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आतंकवाद निरोधक दल ने कलाल की चाल में छापे की कार्रवाई कर घातक शस्त्र बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में दल ने विभिन्न प्रकार के घातक शस्त्र और उन्हें बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी जब्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में आतंकवाद निरोधक दल ने अकोला शहर के कलाल की चाल परिसर में रहने वाले अनवर खान इब्राहिम खान के घर पर छापे की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में धारदार शस्त्र बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया गया। इस कार्रवाई में एटीसी ने आरोपी के घर से छर्रे की बंदूक, एयर पिस्टल, दो तलवार, स्टील की कुकरी, स्टील की गुप्ती, तलवार के चार हत्ते, घातक हथियार तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लोहे की स्टील रॉड, तलवार बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले लोहे के पत्ते, एक ग्राइंडर मशीन, हथौड़ी, छैनी, कानस का माल जब्त किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय हथियार कानून की धारा 4-25 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत रामदासपेट पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में एटीसी प्रमुख विलास पाटिल और उनके दल ने की।